क्या खोने को तैयार हो? जिस दिन इसका जवाब होगा सब कुछ, लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सब कुछ। उस दिन तुम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हो। ऐसे ही कुछ इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर के साथ हुआ। एक समय था जब वो 5 रुपए की मैगी खाकर पूरा दिन गुजारते थे। वो चाहते तो क्रिकेट छोड़कर छोटी मोटी नौकरी कर सकते थे, लेकिन सवाल वही था, क्या कुछ खोने को तैयार होते? वह इंडियन टीम क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 में गुजरात के एक छोटे से गांव चौरसिया में हुआ। हार्दिक पांड्या के पिता हिमांशु पांड्या कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस करते थे और उनकी मां नलिनी पांड्या एक हाउसवाइफ थी। हार्दिक पांड्या के पिता का इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था। वो अक्सर हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या को क्रिकेट दिखाने ले जाया करते थे। किरण मौर्य ने हार्दिक की बैटिंग देखने के बाद डिसाइड किया कि वह उसे अपने अंडर लेकर प्रोफेशनल बेसिक्स ऑफ क्रिकेट सिखाएंगे और नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में अपनी बॉलिंग पर काम किया। साल 2018 के एशिया कप के दौरान उन्हें बैक इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन टीम इंडिया से बाहर रहे। 26 जुलाई 2017 को हार्दिक ने टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतक बना डाले। टी20 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट ओवर में 10 रन को डिफेंड करते हुए एक रन से इंडिया को मैच जिताया। 19 अप्रैल को हार्दिक ने अपना आईपीएल डेब्यू किया और पहले ही मैच में उन्होंने आरसीबी के छक्के छुड़ा दिए। 2 साल से हार्दिक अपनी इंजरी की वजह से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। IPL 2020 में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन ने अपनी टीम में एज ए कैप्टन शामिल किया और हाल ही में जो एशिया कप में हुआ है वो तो हम सब ने देखा है। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हार्दिक पांड्या क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार थे। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।